Hello students, so today we are going to discuss the remaining part of your current affairs related to your defense examination. Those who have not watched the first part, please go और उसको एक बार देख लो जो रह गया होगा, so that you will have a complete cycle of the entire year, that is your 2022 till your 2023 upcoming examination. जो भी अभी आने वाले exams हैं उनके और पिछले जो साल गया है मतलब उसका पूरा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिफेंस वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास एज वेल एज जो रिमेनिंग पार्ट आई एम गोइंग टू कवर दिस क्लास ओनली. कुछ जो रह जाएगा वी विल प्रैक्टिस इन थ्रू एमसीक्यूज. सो कुछ चीज़ें जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि दैट द क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम मैनी एरियाज रिलेटेड टू योर डिफेंस एक्सरसाइजेज, रिलेटेड टू योर न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजीज और रिसेंट कोई डेवलपमेंट मिलिट्री में आर्मी में होगा. And we are also going to focus on international area. जैसे पिछली बार मैंने कुछ discuss regions करे थे. For an example, military में कोई भी important regions होते हैं, कोई भी places होते हैं, वो भी news में रहते हैं, वो भी exam में पूछता है. ठीक है? So rest we are going to cover in this class. So let us start. एक बार देखते हैं कि what are the important developments related to your defense examination and what are the things we have to cover in this particular class. So start. The first topic is related to your recent development, that is your अभी जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है. ठीक है? तो बेसिक चीजें हम नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर आवर एग्जामिनेशन, जो कि क्वेश्चन पूछता है बार बार. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इट विल जो अभी हुआ था, इट वॉज द 74th इन रिपब्लिक डे. ठीक है? जो अभी हमने सेलिब्रेट किया है, इट वॉज द 74th रिपब्लिक डे इन द सीरीज. ये भी क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट में पूछता है, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कौन सा नंबर का है. ठीक, स्टेटमेंट दे देगा. वन स्टेटमेंट विल बी द रीसेंट जो अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है ये 73rd था, 72 था. ठीक है? इस टाइप से देता है. और सेकंड स्टेटमेंट उसमें दे देगा कि अभी जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट के थे या फिर कहाँ के थे, है ना, इसराइल के थे, या फिर इस तरीके के स्टेटमेंट. तो याद रखना है, फर्स्ट इट वॉज 74th एंड सेकेंड यहाँ पर एक स्टेटमेंट और दिख रही होगी आपको टर्म कर्तव्य पथ. द राजपथ जो कि इंडिया गेट के सामने वाला जो पाथ था, ये उसका नाम चेंज किया गया अभी रिसेंट, दोज हू हैव नॉट अवेयर, वैसे तो काफी न्यूज में था ये. सो उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया है, पहली चीज. दूसरी चीज रिलेटेड टू योर दिस रिपब्लिक डे वॉज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, क्लियर, ही हैज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड बीस, ही वॉज अ चीफ गेस्ट इन द रिसेंट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, क्लियर. और एक चीज और याद रखनी है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि इट वॉज द 75th सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशनशिप, दैट इज वाई. दूसरी चीज, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट टू बिकेम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया. ठीक है? सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थ्री पॉइंट्स. नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर सम इनपुट्स. फॉर एन एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन द इजिप्शियन आर्मी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. ठीक है? जो इजिप्ट की सेना थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में. फर्स्ट सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू योर ऑल विमेन कंटिंजेंट. ठीक है? जितनी भी महिलाओं का पूरा कंटिंजेंट था स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर विमेन, दे हैड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. एंड द थर्ड इज रिलेटेड टू योर टेब्ल्यू. टेब्ल्यू मीन्स झांके जो निकलती है ना, तो इसमें बताया भी ये भी आना बाकी है कि एक ये होता है कि पूछ लेता है एग्जाम में कि जैसे हर स्टेट्स की अपनी अपनी कल्चरल हेरिटेज और एक किसी भी स्पेसिफिक थीम पे वो झांकी निकालता है. आपने देखा होगा कभी भी दूरदर्शन वगैरह पे आता है और जो लाइव जाके देखते हो, ठीक है, स्टूडेंट्स उन्होंने भी देखा होगा. तो वहां पर बाद में उसको अवार्ड दिया जाता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलिब्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली कौन सा था. ठीक है? कौन सा अच्छा था उसको मिलता है हर बारी. सो अभी जब आएगा तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपडेट ऑल दीस थिंग्स. नेक्स्ट, इसके अलावा दूसरी न्यूज इज रिलेटेड टू योर रशिया ऑफर्स एक, यहाँ पर आपको एक टैंक दिख रहा होगा. ठीक है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्प्रट SDM-1. एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज स्प्रट SDM-1 रिलेटेड टू, योर ऑप्शन विल बी क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, क्या वो नेवल शिप है या क्या है. तो बेसिकली ये क्या है, इट इज अ एम्फीबियस टैंक. ठीक है? व्हाट इज एम्फीबियस, ये एम्फीबियन एनिमल से वर्ड आया है. एम्फीबियन एनिमल वो होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं. ठीक है? तो इसी तरीके से ये जो टैंक है रशिया का है, लिया है इंडो चाइना जो अभी टसल चल रहे हैं उसको देखते हुए चाइना ने, रशिया ने अपनी तरफ से एक टैंक दिया है. मतलब रशिया ने अपनी तरफ से, मतलब इंडिया और चाइना रशिया की डील है बेसिकली, चाइना और इंडिया का तो टसल चलते रहते हैं. ठीक है? तो उसी के बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं इसको, दैट रशिया हैज ऑफर्ड अ टैंक
और क्या नाम है इसका, स्प्रट एसडीएम, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्रचंड, ठीक है। अभी क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इंडिया का, इसका नाम क्या है, प्रचंड। तो टर्म से जैसे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछे तो क्या है, क्या वो इंडिया का नया पिस्टल है, ठीक है, जिसको अभी डिजाइन किया गया, क्या वो क्यों बॉम्ब है या वो क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट इज प्योरली इंडिजिनियस, इंडिजिनियस मीन इंडिया का, ठीक है, प्रचंड नाम है इसका, याद रखिएगा। वैसे भी अब जो आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है उसके अंदर द करंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन इंडिजिनियस गुड्स, ठीक है, इंडिजिनियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया खुद बनाएगा, ठीक है, वो हर एक सेक्टर में होगा, आत्मनिर्भर का मतलब तो यही है, और डिफेंस में भी होगा पर्टिकुलर, है ना, जनरली भी सब में है मगर डिफेंस में भी इन पर्टिकुलर इंडिया विल एनहेंस। नेक्स्ट, दूसरा यह है कि लेटेस्ट, अभी आपको पता होगा दैट द बिपिन रावत दैट इज द सीडीएस हैज, मतलब उनका पीसफुल डिमाइस के बाद या नया जो अभी वो बने हैं आपके सीडीएस, वो किनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया, क्लियर। ये तो सीधा क्वेश्चन आएगा, एकदम पूछेगा डायरेक्ट नेम से रिलेटेड। नेक्स्ट, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है, रिलेटेड टू योर कराबाख रीजन, मैंने बताया था कराबाख रीजन क्या है, जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कंफ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन है, लड़ाई की वजह है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर रीजन और टर्म के बारे में भी बताया गया, ठीक है, ये कौन सा है, दैट इज लाचिन कॉरिडोर या फिर लाचिन कॉरिडोर है, या आप मैप में देख पा रहे हो गए, ठीक है। सो वॉट इज दिस, दिस इज अ पर्टिकुलर रीजन, कॉरिडोर हो गया, कोई इंपॉर्टेंट रिवर बाउंड्री हो गई, कोई इंपॉर्टेंट सी एरिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, नाम दे देगा और बोलेगा इज रिलेटेड टू, फिर इंटरनेशनली पहचानो कहाँ का है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट इज योर रिलेटेड टू योर किबीथू मिलिट्री कैंप, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसका नाम चेंज किया गया है, ठीक है, जो मिलिट्री कैंप है इंडिया में विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ फर्स्ट सीडीएस दैट इज बिपिन रावत, ठीक है, उनके नाम पर, जो अभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि कहाँ का चेंज किया है, अगर आर्मी के एग्जाम में कोई भी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा डिफेंस के एग्जामिनेशन में, अदरवाइज ये पूछ सकता है किसके नाम पर रखा है। द सेकेंड स्टेटमेंट, इफ कोई आती है तो ऐसे पूछ सकता है कि इट इज लोकेटेड इन असम और इट इज लोकेटेड इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यस इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर स्टेल्थ, एक फिजेट है उसका नाम दे रखा है यहाँ पर तारागिरी, ठीक है, तो ये क्या है, तारागिरी एक नया फ्रिजेट है जो कि स्टेल्थ, स्टेल्थ व्हाट इज स्टेल्थ, स्टेल्थ एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से चाहे वो कोई मिसाइल हो या फिर मिसाइल लॉन्चर हो, शिप हो, इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है सो दैट इट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ एनी रडार, ठीक है, रडार में नहीं आएगा, बस बेसिक ये याद रख लो, ठीक है, स्टेल्थ वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप रडार में भी कैच नहीं होंगे, ठीक है, टू एन एक्सटेंट। तो ये है, और इसमें एक प्रोजेक्ट दिख रहा होगा आपको, प्रोजेक्ट दैट इज रिलेटेड टू योर 17A, सो 17A प्रोजेक्ट का टारगेट यही है कि मैक्सिमम फ्रिजेट बनाए जाएंगे जिसमें जो आपकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको नजर रखते हुए, मतलब उसको कंसीडर करते हुए इसको डेवलप किया जाएगा। तो उसी सीरीज में एक नया अभी बना है, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, उसका नाम है योर तारागिरी, ठीक। तो इसमें कई कई और भी नाम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया कि व्हाट इज प्रोजेक्ट 17, तो प्रोजेक्ट 17 जो है उसमें 2019 में आया था बेसिकली, और इसमें यह है कि डिफरेंट सीरीज के आपको स्टेल्थ जो फ्रिजेट है उनको लॉन्च करना था, इससे पहले दो आ चुके हैं, इट इज रिलेटेड टू उदयगिरी और दूसरा जो था वो था आपका नीलगिरी, ठीक है, तो नीलगिरी और उदयगिरी है, उसी में थर्ड है ये दैट इज तारागिरी, क्लियर। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा प्रोजेक्ट 15 है, प्रोजेक्ट 15 जो कि इंडियन नेवी में जो INS है उनको डेवलप करने के लिए बनाया गया है ना, दो है ना उसमें, कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट 15A है और एक प्रोजेक्ट 15B है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट 17 ये है, क्लियर। प्रोजेक्ट 17 मींस इन ऑर्डर टू हैव मोर स्टेल्थ, क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा अभी रिसेंट ये भी था कि द प्राइम मिनिस्टर हैज चेंज द इंडियन नेवी फ्लैग, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये फ्लैग है एंड इट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द नेवी और बाय द यू कैन से द इन्फ्लुएंस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, as we all know that Chhatrapati Shivaji Maharaj had a major contribution in the naval development of India. Ancient time में देखेंगे तो चोलास थे, है ना, चोलास ने भी कई सारा किया था, then medieval time में देखोगे आप तो जो शिवाजी की navy थी it was also one of the finest navy of India at that time, है ना, तो उसी के influence में जो India का flag है
नेवी का, इंडियन नेवी का जो फ्लैग है उसको चेंज किया गया, मतलब उसका एक नया इंसिग्निया आया है। इंसिग्निया ये है, इट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन, ये पूछेगा ठीक है, देखने में तो आपको बस इसलिए दिखाएगा सो दैट यू कैन रिमेंबर, बट द एस्पेक्ट विल बी दैट इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द मराठा एम्परर दैट इज शिवाजी महाराज। अब कुछ नेवी के बारे में भी यहाँ पर इनपुट्स है, ये पुराना फ्लैग था ठीक है जो ब्रिटिश टाइम का था, दैट इज रेड क्रॉस, यहाँ पर रेड क्रॉस है और यही इसमें बताया गया कि अभी इसमें चेंज किया गया है, सो इट विल बिकम मोर इंडिजीनस है ना, अभी थोड़ा और उसको अपने एंड से फोकस करते हुए उसको और इनहेंस किया गया है, सो दैट इट विल हैव अ काइंड ऑफ इंडिजीनस फीलिंग्स ऑफ, मतलब बोलते हैं ना उसको कि अपनापन लगेगा है ना, इंडिजीनस लगेगा और बेसिकली डेफिनेटली लगेगा, और दूसरी चीज इट विल ऑल्सो इनहेंस द काइंड ऑफ अ नेशनलिज्म अमंग अस विच इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट, इसके अलावा यहाँ पर नेवी के बारे में बताया गया, तो नेवी इज रिलेटेड टू योर नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलेंटरी यूमैन, ठीक है इसकी फुल फॉर्म नेवी की बेसिकली ये कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट, इसके अलावा यहाँ पर उदार शक्ति के बारे में बताया गया, व्हाट इज उदार शक्ति, ये एक्सरसाइज है, अभी हमने पिछले भी क्लासेस में कई सारे एक्सरसाइजेस के बारे में सुना था पढ़ा था, तो ये क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है विच इज रिलेटेड टू योर इंडिया एंड मलेशिया, क्लियर, मलेशिया और इंडिया के बीच में एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है उदयगिरी। नेक्स्ट, सॉरी उदार शक्ति। नेक्स्ट, INS श्रीलंका, सॉरी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, ठीक है ये कई बार आ चुका है बेसिकली, ठीक है स्लाइनेक्स के बारे में, व्हाट इज स्लाइनेक्स, जैसे हमने सूर्य किरण देखा था ना इंडिया और नेपाल के बीच में, उसी तरीके से स्लाइनेक्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है, क्लियर, कहां पर हुई है, इट हैज बीन कंडक्टेड एट विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू INS दैट हैज बीन नेम्ड एज INS मोर्मुगांव, ये क्या है, ये एक नेवी का नया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है पहली चीज, सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ फेमस पोर्ट दैट इज मोर्मुगांव पोर्ट इन गोवा, ठीक है किसके लिए फेमस है, पोर्ट भी है और टाउन भी है और यहाँ पर एक हार्बर भी है, ठीक है और यहाँ से कई सारी आपकी जो आयरन ओर है, ठीक है आयरन ओर प्रोडक्ट्स हैं दैट हैज बीन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है तो इट इज अ मेजर सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ आयरन, देयर कोई भी आप देखोगे ज्यादातर INS के नाम जो रखे जाते हैं वो किसी ना किसी या तो पोर्ट या फिर आइलैंड या फिर किसी पर्टिकुलर पुराने टाइम के कोई ऑनरिफिक टाइटल्स होंगे उनसे इंस्पायर होता है, ठीक है जैसे साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं ना अलग अलग इस तरीके से, इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं उसमें अलग अलग कंट्रीज नाम रखती है, उसी तरीके से इनके भी नाम के कोई ना कोई मीनिंग होते हैं, ऐसे ही में रख दिए जाते हैं, ठीक है चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर मरिया, ये क्या था या जो अभी इसका रशिया और यूक्रेन का वॉर चला था तो उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन, ठीक है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय रशिया और इसका नाम क्या था, मरिया। अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये अभी जो मैंने पढ़ा है रिसेंट न्यूज़पेपर में उसमें ये है कि एयरप्लेन हैज बीन रीडिजाइन, ठीक है दोबारा इसको डिजाइन किया, ऑल्दो इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है दिख रहा होगा आपको पिक्चर में बर्बाद कर दिया था पूरा, ठीक है तो ये है और इसकी बस ये चीज याद रखनी है कि व्हाट इज मरिया रिलेटेड टू, ऑल्दो इट हैज बीन आल्सो इट हैज आल्सो बीन नेम्ड एज एंटोनोव AN-225, तो दोनों ही पूछ सकता है, ठीक है दोनों टर्म दे देगा या फिर एक दे देगा, दोनों में से एक दे देगा तो बोलेगा कि रिसेंटली वाज रिसेंटली इज न्यूज इज रिलेटेड टू एंड यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है तो ये क्या था, इज द लार्जेस्ट और द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है रशिया ने जिसको उड़ा दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है एक बार सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे डायरेक्ट आया था और स्टेट सिविल सर्विस में भी इससे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, एज वी ऑल नो दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, सो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जाते हैं सो दैट ही विल हैव अ काइंड ऑफ अ रिव्यू ऑफ द फ्लीट ऑफ द इंडियन नेवी, है ना, सो ये विशाखापट्टनम में हुआ है और इसकी क्या खास बात है, जो अभी रिसेंट हुआ है अभी 2022 की हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ही वाज मिस्टर रामनाथ कोविंद, है ना ऑनरेबल रामनाथ कोविंद थे और उसके बाद अभी रिसेंट चेंज हुई है प्रेसिडेंट, उससे पहले का ही एक चीज। दूसरी चीज़ ये है कि विशाखापट्टनम में हुआ है। तीसरी चीज़ ये याद रखनी है यहाँ पर हमें कि जो फ्लीट रिव्यू होता है ये सबसे पहली बार 1953 में हुआ था। सो फार 11 फ्लीट रिव्यू जो है वो अब तक हो चुके हैं और जो सबसे पहली बार 1953 में हुआ था उस टाइम पर जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर फ्लीट रिव्यू। 2001 और 2016 में ये इंटरनेशनल था, यानी जो और बाहर की कंट्रीज थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। वैसे जनरली आप देखोगे तो क्या है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाते हैं और यहाँ पर हमारी जो नेवल पावर है एक्सरसाइज नेवल जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है।
क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, और ये भी कि कब से हुआ है और कितने हो चुके हैं, और दूसरी चीज 11 हो चुके हैं, 1953 में सबसे पहली बार हुआ है, और जो अभी रिसेंट हुआ है वो विशाखापट्टनम हुआ है। क्लियर, सो दिस इज अबाउट योर रिमेनिंग एरिया ऑफ डिफेंस। ऑल्दो वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर सम अदर एस्पेक्ट्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और इन अदर जो भी हमें लगेगा, जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट हो गया या फिर उसमें भी जो दोज थिंग्स विच आर रिमेनिंग दैट विल ऑल्सो गोइंग टू कवर। क्लियर, सो देखते रहिए इसको और अपडेट रखिए खुद को, कोई भी चीज होगी वी आर ऑल्सो गोइंग टू अपडेट, बट ये है कि जितना करा दिया जाए उसको कम से कम याद रखना। ठीक है, सो एनीथिंग इफ एनी डाउट अगर्स यू कैन कॉन्टैक्ट, थैंक यू।